ओ हेलो एवरीवन। आज बेटा हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वह बेटा आपका डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपेटल फोर्स एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन बाय व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड एंड व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। चलिए सेंट्रिपेटल फोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रिपेटल फोर्स क्या है? आपने बहुत नोटिस किया होगा कि जब आप किसी पत्थर को घुमाते हैं, मान लीजिए अ स्टोन रोटेटेड इन अ सर्कल, एक पत्थर घूम रहा है, आप घुमा रहे हैं उसको, तो भैया जब सर्कुलर मोशन में घूमता है वो, तो टेंशन आता है सेंटर की तरफ, को फोर्स फील करते हैं। एक्चुअली ये फोर्स ही है आपका सेंट्रिपेटल फोर्स। ठीक है, प्लेनेट के मोशन के लिए अराउंड द सन यही फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। चलिए सेंट्रिपेटल फोर्स बेटा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। जिस फोर्स की वजह से कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वही फोर्स होता है बेटा आपका सेंट्रिपेटल फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन। इसे मैं एफसी बोलता हूँ सेंट्रल फोर्स को, मास इनटू एक्सीलरेशन। मान लीजिए बॉडी जो घूम रही थी उसका मास ये था, और एक्सीलरेशन जो मैंने फोर्थ चैप्टर में बताया था आपको, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है उसका वेलोसिटी अगर इधर ये है, तो उसका जो सेंट्र एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है टुवर्ड सेंटर। तो इसको लेता था मैं अल्फा, तो इस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी थी बेटा, ड्राइव कर चुका हूं ऑलरेडी, वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो यही है आपका सेंट्रल फोर्स का एक्सेलरेशन। इसको आप ऐसे लिख लीजिए या आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। आर है आपका सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो इसको पुट कर देता हूं मैं, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये आ गया आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंट्रल फोर्स को इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये था इन टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी। चलिए और सेंट्रिपेटल फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड ये रहा, और उसका डायरेक्शन याद रखिएगा, सेंट्रिपेटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ को जाता है। इट एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट एक्ट टूवर्ड रेडियस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑफ सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ है सेंटर तक जाएगा, याद रखिएगा सर। डायरेक्शन ये रहा, मैग्नीट्यूड ये रहा। चलिए नेक्स्ट, आप नोटिस करा होगा आपने, जब
आपने वो स्पोर्ट्स देखा होगा, इसकी स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है? ठीक है, ये देखिए इसकी जो बाउंड्री है, इस वॉल्स की थोड़ा सा कैसी है, बाहर को निकली हुई है, ठीक है? क्लियर हुआ? इसे बोलते हैं बेटा बैंक रोड, ठीक है? अगर कोई गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से चले, क्लियर? चलिए आप स्क्रीन पे देखिए, अब अगर कोई गाड़ी टर्न पे बहुत ज्यादा स्पीड से चले, या मान लीजिए कोई गाड़ी है बहुत स्पीड से चल रही है वो, ठीक है, तो होता क्या है, अगर उसकी वेलोसिटी और सेंट्रीपेटल फोर्स के अगर कोई रिलेशन ना हो, मतलब ज्यादा या कम हो जाए, बताऊंगा क्या होता है, तो आपको देखा होगा आपने गाड़ी स्लिप कर जाती है, गाड़ी स्लिप कर जाती है, ठीक है? टर्न पे एक्चुअली बाहर की तरफ करती है, अंदर की तरफ को नहीं। जैसे गाड़ी आ रही है टर्न पे, और जैसे ही उसका अगर बैलेंस ना हो, ठीक है, उसकी उसके पास एक सेफेस्ट वेलोसिटी ना हो, तो वो टर्न पे स्लिप कर जाती है और ट्रैक से बाहर निकल जाती है, ठीक है? तो हमें यही फाइंड करना है बेटा, जब एक कार, एक व्हीकल बैंक रोड पे या स्ट्रेट रोड पे जब चलती है, तो उसके पास सेफेस्ट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि क्लियर? चलिए, अब दो तरह के कर्व रोड हो सकती हैं, दो तरह के कर्व रोड हो सकती हैं। एक तो हो सकती है कर्व रोड जो प्लेन हो, लेवल्ड एकदम, और एक रोड हो सकती है थोड़ा सा बाहर को जो उठी हुई होती है, जो आपको मैंने पिक्चर दिखाया अभी, ये बाहर की तरफ को थोड़ा सा क्या होती है, हल्की सी उठी हुई होती है, ये हल्की सी उठी होंगी, मतलब ये वाला पार्ट थीटा होगा, यहाँ पर हल्का सा ये वाला पार्ट हल्का सा ऐसे होगा, ठीक है? देखा होगा आपने इस तरह के ट्रैक देखे होंगे, जो इस तरह के ट्रैक होते हैं, ठीक है? इस तरह के ट्रैक होते हैं ना, जो बड़ा हल्के से उठे से होते हैं, जो इसमें आपको साइक्लिस्ट ओलंपिक में देखा होगा, साइक्लिस्ट घूमते हैं, रेस करते हैं। तो हमें यही निकालना है, जब आपकी कार एक, हमें यही फाइंड करना है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है हमें, ठीक है? आपका एक्सप्रेशन, हमको फाइंड करना एक्सप्रेशन मैक्सिमम स्पीड का, लिख देता हूं, मैक्सिमम स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार इन अ सर्कुलर, गोल तो है, टर्न तो है, सर्कुलर है इस तरह से, पर आपका जो ट्रैक है वो हॉरिजॉन्टल है, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल या लेवल बोल सकते हैं, लेवल ट्रैक, ठीक है? और सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है, ये ट्रैक जो है उसका जो रेडियस है लेट आर है, लेट सेंटर से इसका रेडियस जो है ट्रैक का आर है। चलिए, यहां पर एक व्हीकल है, इसको मैं कर सकता छोटा बना लेता हूं इस तरह से, लेट यहां पर एक व्हीकल है, इस तरह से एक व्हीकल चल रहा है, उसका ये हेडलाइट, ये उसके टायर्स हैं, ठीक है? इस व्हीकल का जो ये टायर है, एक नीचे वेट डालेगा, ठीक है? इसका एक वेट नीचे होगा, ठीक है? ये अलग अलग लेता हूं, चलिए इसका थोड़ा सा वेट यहां होगा, थोड़ा सा वेट यहां होगा, इन इन सब का वेट मिला के ऊपर को एक वेट आएगा आर, ठीक है? मतलब यहां से एक R1 होगा और यहां से एक R2 होगा, इन दोनों का मिला के एक R ऊपर, मतलब रिजल्टेंट जो होगा ऊपर को होगा, इस रिजल्टेंट को बैलेंस कर रहा होगा इस गाड़ी का मास MG, ठीक है? गाड़ी का जो वेट है वो MG है, जो सर्कुलर रोड है उसका रेडियस R है, और गाड़ी जो चल रही है उसकी वेलोसिटी जो है, जो गाड़ी चल रही है उसकी वेलोसिटी लेट वी है, गाड़ी की चलने की वेलोसिटी जो है लेट वी है, ठीक है? तो गाड़ी के टायर से फ्रिक्शन होगा, ठीक है? फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर।
अगर गाड़ी के टर्न पे अगर आपके टायर में फ्रिक्शन नहीं हुआ, वियर टायर में अगर आपके वियर एंड टीयर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो गाड़ी स्लिप कर सकती है। तो फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा? टूवर्ड सेंटर। लेट इस टायर का लगा F1 यहां पर, इस टायर का लगा आपका F2 यहां को, ठीक है। क्लियर? टूवर्ड सेंटर। चलिए, तो आपका लेट F1 जो था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू टायर 1, वो था न्यू इंटू R1। यहाँ पर न्यू आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन टायर और जो डिपेंड करता है आपके टायर और रोड के मटेरियल पे। और F2 आया आपका लेट न्यू R2, ठीक है। आपको पता है R1 प्लस R2 मिला के ही आपका R बना है, वो बराबर है आपके MG के। लेट्स से R1 प्लस R2 बोल देता हूँ। क्लियर? चलिए, तो टोटल फ्रिक्शन जो होगा F1 प्लस F2 टायर्स का, वो होगा म्यू R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। और R1 R2 बराबर बोला है उसको, बोला मैंने MG के बराबर है, तो म्यू MG आ गया आपके पास टोटल फ्रिक्शन। क्लियर? अगर आपकी गाड़ी को सेफ टर्न लेना है, अगर आपकी गाड़ी को सेफ टर्न लेना है, तो आपका ये वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी सेंटर की तरफ, नहीं तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। क्योंकि एक एक फोर्स ऑलरेडी यहां लग रहा है, जब गाड़ी सर्कुलर रोड ट्रैक में घूमती है तो सेंटर की तरफ को एक ऑलरेडी एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी को, तो ऐसा बोलते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम ऐसे बोलते हैं स्टार्टिंग में, फॉर द कार टू स्टे ऑन रोड, अगर कार को रोड पे चिपके रहना है, रुके रहना है, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू MG ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा या बराबर होना चाहिए सेंटीपेटल फोर्स के। अगर सेंटीपेटल फोर्स ज्यादा हो गया बेटा, तो क्या होगा? गाड़ी यह की तरफ को स्लिप कर जाएगी। तो आपका ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो भैया आपका ये आ गया, इसको थोड़ा सा, इसको MCM कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया आपके पास वी स्क्वायर अपॉन RG इज लेस देन न्यू। वी आ गया आपके पास वी मैक्स, मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम, ये हो सकता है इक्वल टू, इसको यहां भेजा म्यू RG का रूट। ये है बेटा आपकी मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी है, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड बोलता हूं उसको, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ठीक है। अगर इफ द स्पीड एक्सीड वी मैक्स, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड वी मैक्स से ज्यादा हो जाएगी, द कार विल स्किड एंड गो ऑफ द रोड इन अ सर्कुलर इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ग्रेटर देन आर, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी तो गाड़ी क्या करेगी? आपकी स्किड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी ट्रैक से, ठीक है। ये होती है आपकी सर्कुलर रोड में गाड़ी की सेफेस्ट वेलोसिटी, अगर आपकी रोड लेवल है तो। अगर आपकी रोड लेवल ना हो, बैंड हो, अब की बार मैं जो पढ़ा रहा हूं बेटा आपको, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बैंड, बैंड का मतलब होता है कि आपका हल्का सा आउटर एज को, रोड के हल्के से आउटर एज को मैंने उठा दिया, रोड के हल्के से आउटर एज को मैंने उठा दिया, इस तरह से मैंने हल्का सा आउटर एज 2D में, मतलब ऐसा मान लीजिए पहले रोड ऐसी थी, अब रोड हल्की सी ऐसे हो गई है। पहले रोड ऐसी थी, हल्की, मान लीजिए रोड, इसको समझाने के लिए रोड ऐसी थी पहले प्लेन, अब हल्की सी ऐसे हो गई है,
वहां तो आउटर ट्रैक से हल्की सी वो उड़ चुकी है, ठीक है। तो मतलब आपकी जो रोड थी हल्की सी इस बार ऐसे हो गई है, बहुत ज्यादा नहीं हल्की सी होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी ज्यादा है, ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा आपको अपने थीटा को लेना पड़ेगा। जैसे आपको ओलंपिक में साइक्लिस्ट होती है, उनकी जो रोडें होती है एकदम बहुत ज्यादा बैंड होती हैं। चलिए यहाँ पर गाड़ी रख देते हैं टर्न पे, एक टायर ये, एक टायर ये रही आपकी गाड़ी, ठीक है। गाड़ी का मास तो बेटा हमेशा नीचे को ही जाएगा, ये आगे इस गाड़ी का मास MG, ठीक है। गाड़ी का रिजल्टेंट हमेशा बॉडी से परपेंडिकुलर होता है, ये रहा इसका आर, ठीक है। तो उसके जो आर होंगे बेटा, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका आर कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया इसका आर कॉस थीटा, ये हो गया इसका आर साइन थीटा। देखिए बेटा इसका आर जो साइन थीटा है वो टुवर्ड सेंटर जा रहा है, बाकी सब पता है आपको, ये आर है, रेडियस है आर, ये इस सर्कुलर ट्रैक का, क्लियर। चलिए इस बार फ्रिक्शन जो लगेगा टायर में लगेगा टुवर्ड सेंटर ही, लेकिन इस तरह से लगेगा, ये यहाँ पर ये फ्रिक्शन आपका। तो फ्रिक्शन का अलग से मैं डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए फ्रिक्शन ऐसे आ रहा है, इसको मैं हल्का सा मैंने मूव करा दिया ऐसे, फ्रिक्शन यहाँ को आ रहा है ऐसे। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक होगा इसका इधर को और एक होगा इसका नीचे को, ये रहा इसका थीटा, ये फ्रिक्शन, ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और ये आगे जहाँ थीटा होगा बेटा वहीं पर ही इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा नीचे को आ रहा है, एफ साइन थीटा इसका कहाँ को आएगा, नीचे को, ये एफ साइन थीटा और ये रहा इसका एफ कॉस थीटा, ये रहा कंप्लीट डायग्राम ये है। और ये जो आपका ट्रैक का जो बेंड एंगल है वो है थीटा लेट। तो अगर मैं बेंड रोड की बात करूं तो बैंकिंग ऑफ अ कर्व रोड का मतलब होता है द सिस्टम ऑफ राइजिंग द आउटर एज, हमने आउटर एज को थोड़ा सा क्या कर दिया, उठा दिया, हल्का सा उठा दिया। आउटर एज ऑफ अ कर्व रोड अबाउट इज अबाउ अबाउ इट्स इनर एज, इनर एज से थोड़ा सा आउटर एज को उठा दिया, यही होता है आपका बैंकिंग ऑफ द कर्व रोड, ठीक है। ये थीटा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग। चलिए सारे फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर के तो लगने वाला फोर्स एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी होगा बेटा FC, ठीक है। तो आपका जो ये होगा और ये होगा आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, वो होगा आपके सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर, इधर को लग रहा है जो सेंट्रीपेटल फोर्स जो होगा वो इस वजह से इन इस इसके और इसके वजह से होगा। कितना है सेंट्रीपेटल फोर्स, MV² अपॉन में आर के। पहली बात थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो आपका आर साइन थीटा है, ठीक है, एक और देख लेते हैं, आपका ये वाला MG प्लस एफ साइन थीटा, इसको बैलेंस करने के लिए ये रहा आपका आर कंपोनेंट, आर कॉस थीटा कंपोनेंट सेल कर रहा है। देखिए एक ये और ये मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं अगर गाड़ी टिकी हुई है तो रोड पे, और ये मिलके आपको इसको बैलेंस कर रहे हैं, ये है आपका FC सेंट्रीपेटल फोर्स। क्लियर हुआ, दो एक्सप्रेशन आ गए हैं हमारे पास। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूं, हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा माइनस, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू MG। क्लियर, तो मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, सॉल्व थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो मैं इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर लेता हूँ, जब मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा आपके पास आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, डिवाइड करूंगा तो इसके एम से इसके एम को कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा V² अपॉन में RG, ठीक है। ऊपर की क्वेश्चन और नीचे क्वेश्चन को मैं दोनों को बेटा कॉस से डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइडिंग इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मैं
कॉस डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर इक्वेशन को कॉस थीटा, डिनोमिनेटर भी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो कैसा बन जाएगा ये, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आर टेन थीटा, ठीक है इसको मिटा देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा ये ऊपर आर टेन थीटा, ठीक है कॉस से कॉस कट जाएगा प्लस एफ अपॉन कॉस से कॉस कट जाएगा आर माइनस साइन अपॉन कॉस एफ टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। क्लियर, अब दोबारा मैं इसको दोबारा इस एक्सप्रेशन को आर सी डिवाइड कर लेता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं आर सी में डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा, आर से आर कट जाएगा, सो आर सी डिवाइड कर, आर सी डिवाइड किया प्लस एफ अपॉन आर नीचे आर अपॉन आर वन अपॉन में एफ अपॉन में आर इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में आर जी। आपको पता है एफ अपॉन में आर जो होता है वो बराबर होता है म्यू के, आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में वन माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, आर जी को यहां भेज दिया और बोथ साइड रूट कर दिया, तो ये है बेटा आपकी बैंड की सीफेस वेलोसिटी। क्लियर, बैंड रोड में जो मैक्सिमम सीफेस वेलोसिटी होगी वो ये होगी, ठीक है देखिए यहां पर थीटा पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपके जो इंजीनियर्स होते हैं वो आपकी रोड में जब रोड बनाते हैं तो उन्हें पता होता है कि जो मैक्सिमम स्पीड है यहाँ की 40 लिमिट है 50 लिमिट, तभी फिक्स रखते हैं स्पीड, तभी स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, उन्हें पता है कि 40 टू 50 आपकी 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे मैक्सिमम स्पीड है, तो उसके अकॉर्डिंग थीटा निकल जाएगा। सर्कुलर रोड का थीटा पता, थीटा आर पता होगा, आर पता होगा, जी पता होगा, म्यू पता होगा बिटवीन टायर एंड रोड, तो यहां से थीटा निकल जाएगा, उसी अकॉर्डिंग वो थीटा वो एडजस्ट करके रखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी इजीली सेफली टर्न कर जाती है, तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्लियर हो गया आई थिंक आपको, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया, थैंक यू।